इसे पहचानता है कोई? ये है हुक्का, जो कि पहले दादाजी लोग पीते थे, अब तो कोई पीता नहीं है। और ये पहले के टाइम की सिलबट्टा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। और आज मेरे साथ है मेरे भैया। सो अभी आज हम आए हैं गांव में। तो गांव में आने का रीज़न ये है कि गांव में लगा है घर का काम, अभी आपको दिखाते हैं। तो ये है हमारे जो घर का काम लगा है फिलहाल। ये हमारा बहुत पुराना मकान है, जब मतलब दादा के पिताजी लोग रहते थे तब से ये मकान है बना। तो इसको थोड़ा रिनोवेट कर रहे हैं। और अभी तो फिलहाल ऊपर से सारी छत वगैरह भी निकाली है, ये सारी छत वगैरह निकाली है। तो देख सकते हो पहले के टाइम पे किस तरीके से बनते थे मकान। ये है अलमारी है पहले के टाइम की, ये देखो। तो अभी तो सारा सामान हटा रखा है यहाँ से। ये अलमारी है, इस तरीके से ये डंडे लगाए जाते थे। और ये देवदार के जो पेड़ होते हैं वो होते हैं ये, इनकी डंडियाँ। तो अभी ये लगा रखी है। और ये थोड़ा बहुत कुछ फट्टे वगैरह भी हैं। तो ये रिनोवेशन का काम चल रहा है, ये हमारा ब्रांड। और इधर की साइड था हमारा किचन। तो ये हमारा किचन, ये पुरानी चूल्हा, हमारे गांव में चूल्हा बोलते नहीं, तो ये पुराने टाइम का। और ये इधर की साइड, ये देखो, ये सब पहचानता है कोई? ये है हुक्का, जो कि पहले दादाजी लोग पीते थे, अब तो कोई पीता नहीं है। और ये पहले के टाइम की सिलबट्टा। तो काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रखी है अभी भी। इधर भी रखा है। बाहर का मौसम भी कितना बढ़िया हो रखा है आज, मस्त। यहाँ तो ठंडी हवा चल रही है और नीचे ऋषिकेश में गर्मी से बुरे हाल हो रखे। और यहाँ पे बारिश भी लगी हुई है थोड़ा बहुत। देखो तो कल हम आए तो स्कूटी से थे, तो बाहर से ऐसा है हमारे घर का व्यू। और ये बाद में बना था ये वाला पोर्शन यहाँ का, ये वाला पोर्शन बहुत लेट में बना था, मतलब इस घर से तो बहुत बाद में बना। और ये बाकी पूरा बरांडा है, बरांडा बोले क्या? तो ये हमारा यहाँ पे चौक है। तो ये पूरा इतना बड़ा चौक है, यहाँ पे देखो कितनी गाड़ियाँ आ सकती है। और यहाँ पे है, हाँ हाँ पर्सनल है अपना पूरा। अब ये घर बन रहा है, ऊपर से सारी छत तोड़ रखी है अभी फिलहाल। है भैया ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि बारिश में ना, हाँ वही बारिश सुंदर, वही बार तो मजा नहीं आ रहा था, मजा नहीं आ रहा, भीग रहे थे हमारा तमाम जो है दाले। सॉरी सब, सॉरी भीग रहा था ना। जरा इधर लेके आयो गाड़ी, देखो गांव की गाड़ी। तेरे पापा के साथ ही मैं बैठ आया था ना, वो बैठ तो बारिश से जो है खत्म हो गया। वो बैठ तो आज तक नहीं टूट सकता, एक टुकड़ा यहाँ कहीं वो हिस्सा बचा हुआ उसका। अच्छा पुराना बैठ, ये देखो गाँव की साइकिल चला भाई। हाँ ये चलाओ ये। हेलो भाई, दिन का खाना ये चटनी और क्या है, रोटी पापड़ बताया, किसी भी चटनी पापड़ी। ओ भाई साहब कितनी तगड़ी बना रखी है। तो ये हमारा हो चुका है दिन का खाना, एक बज चुकी है। ये पापड़ी है, ये पापड़ी है, ये संभाले हैं पापड़, ये संभाले हो गए पापड़ बोलते हैं। और ये रोटी है। तो तलावा ज्यादा खाने से बढ़िया है कि हम नॉर्मल खाना खाते हैं। खा रहे तो वो पीसी भी चटनी, चटनी पुदीना, तभी तो ऐसी सेहत बना रखी भैया ने। हैं ऐ बिल्कुल चूल्हे की रोटी है, अपर दिन बेड़े की तरह अपर टीम। तो अभी खाते हैं और उसके बाद अभी ऊपर जाना है थोड़ा गाँव साइड, तो उसके बाद वहाँ मिलते हैं। अभी तक मौसम सही था, बट अब बिल्कुल एकदम बारिश होने वाला मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है। और नीचे से पानी भर के ला रहे हैं, इधर पानी की कमी है तो नीचे से पानी भर के ला रहे हैं। और यहाँ पे तो पूरी पार्किंग जोन बना रखी है। सो इधर की साइड इतनी भयंकर तरीके से बारिश हुई है, हम तो पूरे भीग गए हैं पूरे। ओहो ठंड लग रही है। लो भाई इसको भी ले लो ब्लॉग में दे। हाँ क्या नाम है तेरा? इधर बोलना। कबाड़ी का डांस चल रहा है। बताओ इस टाइम पर इसी केस में इतनी भयंकर गर्मी हो रखी थी। और गांव की साइड देखो क्या कोहरा पड़ा हुआ, वो भी भयंकर बिल्कुल ठंड वाला, पूरा जाड़ा वाला सीन हो रखा है। तो अभी हम निकले हैं शाम के टाइम पे वॉक करने, हमारे साथ मेरे भैया भी ये दोनों। अरे कोहरा तो बहुत खतरनाक हो रखा है, सोचा नहीं था यार इतनी ठंड होगी कि जैकेट लेनी पड़ेगी अभी, मतलब यहाँ पे जो कड़ाके दार ठंड पड़ रही है। नवंबर दिसंबर की ठंड है ये, जनवरी दिसंबर ऐसी मान के चलो, गर्मा गर्म ठंड है। देखो ना कोहरा क्या भयंकर छा रहा है, भयंकर सुहाना मौसम हो रहा है यहाँ। और अभी हम इवनिंग वॉक में निकले उत्तराखंड,
देवों की भूमि उत्तराखंड में ऐसे भयंकर मजेदार मौसम हो रखा है। बादल मंडरा रहे बादल मंडरा रहे अरे भाई साहब बहुत ठंड तो वाकई में बहुत ज्यादा लग रही। परसों मसूरी साइड नीचे भी बहुत ज्यादा ठंड थी। सो गाइस अब तो हम वापस घर की साइड जाएंगे। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग में। तकले बाय।